क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए नहर हो गया और इसके तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये बिंदु हो गया और इसको मिलाने पर ये कितना हो जा रहा है, कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इसी तट पर यानी कि जिस तट पर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दूसरे तट के अन्य बिंदु से, यानी कि पहला तट था दूसरा तट था, ठीक है, दूसरा तट से मिलाया गया है टावर के शिखर के शिखर को, ठीक है। अब कह रहा है इसी तट पर यानी कि दूसरा तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, यानी कि इसको अब मिला दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले ये हो गया और ये यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा था और यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ से यहाँ जाने में इसको 20 मीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है। नाम दे दीजिए PQRS, ठीक है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक अन्य बिंदु ये हो गया और इसको शिखर से मिला रहे हैं, ठीक है, तो कोण 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन गया। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए त्रिभुज सॉल्यूशन, एक चीज आपको बता रहे हैं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है तो जितना इसका लंबाई होगा वही लंबाई इसका होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, कहिएगा तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है इसमें प्रूफ हो नहीं पाएगा, इसके बाद इसको इरेज करके हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जितना पी क्यू आर एस यानी कि जितना लंबाई आपका आर एस का जितना लंबाई होगा वही लंबाई आपका पी आर का लंबाई होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज यानी कि इसका लंबाई 20 मीटर है तो ये भी आपका 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में एच दिया है हमको, पी का वैल्यू निकालना है, तो क्या कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, साइन का लगाएंगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बट्टा पी आर, और साइन 60 का मान होता है आपका रूट 3/2। अब पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया है और पी आर का दिया है 20, और जब बीच में बराबर आता है तो सामने सामने कट जाता है, तो 2 × 20, तो आपका पी क्यू बराबर कितना आ गया, आई 10 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुड़ा में, तो 10√3 मीटर, एक ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। यानी कि पी क्यू का वैल्यू 10√3 मीटर, यानी कि इसका वैल्यू आपका आ गया 10√3 मीटर। अब देखिए, अब कह रहा था कि नहर की चौड़ाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू बताना है, तो त्रिभुज इसी त्रिभुज में यानी कि पी क्यू आर में, यहाँ पे देखिए लंब दे दिया हमको, आधार निकालना है, तो 10 लगा देंगे, तो 10 60 डिग्री बराबर पी क्यू बट्टा क्यू आर, और 60 का मान होता है √3 पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू निकला है 10√3 और क्यू आर के क्यू आर बराबर रहता है तो सामने सामने कट जाता है, तो √3 से √3 कट गया, क्यू आर इधर आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर आपका हो गया 10 मीटर, यानी कि आपका आंसर हो गया 10√3,10 मीटर आंसर, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन कर रहा था कि टावर की ऊंचाई यानी कि पी क्यू का मान 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई
यानी कि 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहले इसको हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये जो है ये और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको हम आपको समझा देते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए इस ध्यान से। एक बार समझाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज आगे होगा, जहाँ जहाँ काम पड़ेगा वहाँ वहाँ हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा था और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा था। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, इसका लंबाई आपको दिया था 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी यानी कि लंब बटा आधार, आधार आपका क्या क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी। तो बी डी प्लस डी सी और 10 30 का मान 1/√3 होता है बराबर ए बी अपॉन बी डी, बी डी और डी सी का मान आपका 20 दिया है। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर आपका हो जाएगा बी डी प्लस 20 बटा रूट तीन। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, इसमें हम आपका साइन 60 का मान निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी अब बट्टा ए डी। ठीक है, साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है ए बी, का मान कितना निकला है बी डी प्लस 20 बट्टा √3 अब बट्टा ए डी। ठीक है, बट्टा ए डी, ए डी √3/2 के √3/2 बराबर बी डी प्लस 20 बट्टा ए डी √3। हाई ए डी √3 इधर किस में है, भाग में, इधर आएगा तो गुड़ा आ जाता है, √3 से √3 यानी कि 3 AD बराबर हो जाएगा 2 BD प्लस 40 के। ठीक है, यानी कि 3 BD आपका बराबर है 2 BD प्लस 40 के। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे,